हेलो एवरीवन, और ड्रेस देख के आप समझ पा रहे हैं हम कहाँ जाने वाले हैं? और वी प्रॉमिस वी आर देसी कपल ऑन द गो। हाँ, हम किसी बैंक को लूटने नहीं जा रहे हैं और हम बाइकर्स नहीं हैं। हेलसिंकी में आके हम लोग कोई मनी हाइस्ट नहीं करने वाले हैं। हम जाने वाले हैं स्नो मोबाइल की राइड लेने के लिए। टिक 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 टिक, नहीं टूट जाएगा मेरा ये स्नो सांता विलेज। के बाद हम लोग सीधे आ गए हैं ये स्नो मोबाइल राइड के लिए। और देखिए, पीछे हल्का हल्का सा सन होराइजन पे है, कैमरा पकड़ नहीं पा रहा है, बट हाँ, बट पूरा ऑरेंज एक्चुअली पीछे स्काई। तो आई एम एक्साइटेड क्योंकि स्नो मोबाइल ना जिंदगी में फर्स्ट टाइम चलाएंगे। वैसे बहुत सारी चीजें ना यहाँ आके जिंदगी में फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, और हर एक्टिविटी से पहले इतने हैवी कपड़े पहने। मैं दिखाऊं दूर से अपना, ये देखिए, दिस इज हाउ आई लुक। हमको पूरा 20-25 मिनट लगे रेडी होने में, पूरा रेडी होने में, एंड वी होप कि आवाज आ रही हो क्योंकि माइक बहुत अंदर घुस गया है। और इसका भी जो मैंने पहना है ना, इसका भी एक नाम है, मुझे ना बकलावा सुनाई दे रहा था, पता नहीं क्या भूल गया अभी। तो मुझे तो बकलावा मिलेगा, मैंने कहा यहाँ टर्की का बकलावा क्या मिलेगा, बट थोड़ा प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है और कुछ डिफरेंट वर्ड है। तो चलते हैं और दिखाते हैं कि स्नो मोबाइल का एक्सपीरियंस कैसा है। टूर में आए हैं तो सब चीज़ें थोड़ा जल्दी होता है, बाकी लोग खड़े हुए पीछे वो भी रेडी है, और लोग रेडी हो रहे हैं। जितना शूट हो सकता है उतना हम शूट करेंगे और दिखाएंगे आपको ये एक्सपीरियंस। सो Let's go and ride snowmobile. देख पा रहे हैं आप सन का कितना अच्छा अच्छा सा रेज आ रहा है, और पूरा जो क्लाउड्स है वो पिंक ऑरेंज वाला बन रहा है। सनसेट नहीं हो रहा है, सन ऐसे नहीं आता जैसे सनराइज और सनसेट होता है, यहाँ ऐसे ही चला जाता है तो सनराइज ही नहीं हो पाता है। वैसे ये पीछे हस्की राइड्स है, हस्की के राइड्स के लिए हस्कीज हैं इसके अंदर, वो भी करेंगे हम लोग। और एक और चीज़ दिखा रही थी मैं आपको, ये देखिए, ये मेरे ग्लव्स हैं जो मुझे -4 degrees तक बचा के रखते हैं, और ये इसके ऊपर है मिटेंस। तो कोई भी आप एक्टिविटी करते हैं ना तो ये भी मिलता है मिटेंस। और ये मिटेंस में क्या होता है कि ऐसे आपके फिंगर्स नहीं बने होते हैं तो इससे ज़्यादा वार्म रहता है। बस मैं सोच रही हूँ कि मैं स्नो मोबाइल चलाऊँगी तो उसको हो पाएगा कि नहीं, हो ही पाएगा, लेट्स सी हो पाता है कि नहीं इन मिटेंस से। राइट टुडे एंड सौरभ पीछे बैठेगा, और फिर हो सकता है आते टाइम सौरभ राइड करे और मैं पीछे बैठूँ। एक चीज़ दिखा रही थी, मेरी आइस देख रहे हैं, आइस और पूरा ये देखिए आइस की मेरी पूरी फ्रीज हो रही है, टेम्परेचर इज -18 और आइस पूरा आइस का लैशेस देखिए और बाल जिधरदार है वो पूरा फ्रीज हो गया है। बट आई एम एक्साइटेड। ऑलरेडी मैं वैसे वी का सिंबल बना रही थी बट कुछ बन नहीं रहा है। मेरा स्नो मोबाइल बम्ड इनटू अ ट्री। ओह, आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट, आई थॉट इट वाज गोइंग टू बी इजी, बट नहीं था इजी मेरे लिए। बट वी विल चेक व्हेन वी कम बैक इफ देयर इज सम डैमेजेस।
That's fine. Yeah, because like we almost stop, but we just keep. Yes. Thank you. Warm up. Thank you. Thank you. Frozen. My hands are frozen. So we are here. Oh. Thank you. Those are ready. Oh. You're gonna have one of those also. Yeah. Thank you. अंदर आ गए हैं और यहाँ है फायर प्लेस और इतनी ठंडी थी दिखाया था ना आपको पूरे आईलेट्स सब कुछ वाइट हो गया था और पूरे हेयर्स भी अब जाके पूरे में और अच्छा लग रहा और मैं गिर गई वो तो वो एक्सीडेंट उसके बाद वो उतरना था तो उतरने के लिए मैं फुल फ्लैट लगी नहीं लगी नहीं थोड़ा सा दम लगी थी बहुत जोर से मेरे को झटका लगा था क्या ये देखो क्या आई वाज थिंकिंग So it's okay. One of my earring is gone. Maybe I will wash you. But I'm okay. I'm laughing. That means ki I'm okay. But ये देखा आपने? मुझे यहाँ के cups बहुत अच्छे लगे हैं यहाँ पे ऐसे wings हैं cup के अंदर. तो ये है fruit juice, warm fruit juice और cinnamon rolls. वो वार्म जूस पीने के बाद आई वॉज फीलिंग टू गो टू रेस्टरूम मगर मैंने सोचा रेस्टरूम जाऊँ और इतना सब कुछ उतारना पड़ेगा कम से कम 20-25 मिनट लगेंगे तो ये एक और प्रॉब्लम है फिर लगी तो मैं नो आई थिंक आई विल वेट एक ही बार उतार सकता हूँ इसको बहुत ज़्यादा लेयर्स है ये पहनना बहुत मुश्किल होता है सो अभी मैं बैठ के इन्जॉय करता हूँ और जस्ट वॉन्ट टू लेट यू गाइज नो कि बी डन विद ऑल योर नेचर कॉल्स बिफोर यू put on this suit ye pata hai kya hai mere haath mein antler hai male reindeer ka can you see how huge it is mera face aise ghus raha hai itna bada full grown male ka itna pointed hai ye female ka hai to ye chotu wala is female ka hai नहीं ये एक तरफ का है ऐसे नहीं होता ये ऐसे होता है ना मेरे हॉर्न आ गए जितना झूठ बोलते हैं ना तब सिंह आ जाते हैं ऐसे बचपन में बोलते थे कि झूठ बोलोगे तो सिंह आ जाएंगे ऑल सेट अगेन वापस से जाएंगे स्नो मोबाइल में और मैं नहीं चलाने वाली हूँ सौरभ ही चलाएगा आई वॉज सो कॉन्फिडेंट एक्चुअली कि मैं चला लूँगी बट या इट्स ओके चलो लेट्स गो ये इतने बड़े जो शूज है ना इसे निकालने में इतना दिक्कत है ना नहीं याद आ जाता सी द शूज नहीं ये एटलीस्ट मेरा साइज है 39-40 जो
जो मैंने लिया है ना वो है 42। यहीं से मिलते हैं। It feels so light. At least पे हाउ द लेयर वो भारी से शुरू उतार कर खुद के तो है ही अभी भी बहुत लाइट लग रहा था, लग ही रहा कि मैं 3 लेयर पहना हुआ हूँ, वो इतना हैवी था। पूरा का पूरा नीचे गिर गई। लेट्स सी, घर पहुंचते फिर आराम से वीडियो पे बताते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या था। अभी आपको ना हस्की का आवाज सुनाते हैं, इतने जोर जोर से कर रहे हैं ना कि जैसे बोलते हैं ना कि जब कोई भूत आता है तब ऐसा आवाज आता है। सुनाते हैं आपको, लेट्स धुआं दिख रहे हैं आज भी टेम्परेचर -16। और कल करी थी हम लोगों ने स्नो मोबाइल, और मैं बोलने वाली थी कि हमने रात में करी थी, नहीं हमने एक्चुअली दोपहर में करी थी 2 बजे, और ऑलरेडी रात हो गई थी और गिर तो गई थी मैं अभी, मगर ठीक है आज। हाँ, थोड़ा बैक पे पेन हो रहा था लोअर बैक में रात में, बट नाउ आई एम ऑल ओके। पर स्नो मोबाइल एक एडवेंचर वाला स्पोर्ट्स है तो यू हैव टू बी सेफ, और मुझे इतना कॉन्फिडेंस सर है कि मैं तो कर ही लूँगी। लाइक मैं इतने बचपन से चला रही हूँ 2-व्हीलर और आप 4-व्हीलर, तो आई वाज लाइक ये क्या है तो चला लेगी, बट उसका बहुत वो हार्ड होता है उसका स्टीयरिंग, तो आपको पूरा एकदम उसको अच्छे से ग्रिप करके उसको फोर्सफुली करना पड़ता है। और मुझे लगा मैं ऐसे करूँगी तो हो जाएगा, बट वो ऐसे करने पे थोड़ा सा ही मूव होता है, उसको फुल यू करना, जैसे पावर स्टीयरिंग नहीं हो तो आपको कितना गाड़ी को यू करके घुमाना पड़ता है ना, बिल्कुल वैसे ही। बट इट वॉज अ फन एक्टिविटी, तो अगर आप आते हैं तो ज़रूर ट्राई करिए क्योंकि वन ऑफ इट्स काइंड है। और बहुत सारे अलग अलग टूर है, तो हमारा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप टूर ऐसा ढूंढें जो आपको ले जाए, अगर टेम्परेचर अलाउ करे तो फ्रोजन लेक पे, देन यू विल हैव अ बेटर एक्सपीरियंस। हमारा वाला ऐसे वुड्स के अंदर अंदर था, तो वो भी थोड़ा डिफिकल्ट था क्योंकि आप फर्स्ट टाइम चला रहे हो और वुड्स के अंदर इतनी सी लेन होती है, उसके अंदर चलाना इज़ वेरी वेरी ट्रिकी। तो लेक होगा ना तो आपको मज़ा भी आएगा और फिर आराम से आप चला भी सकेंगे, और थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो फिर आराम से चला सकते हैं। बट डोंट वरी, आपको जैसा भी प्रेफरेंस है चलाने का, अगर आपको वुड्स के अंदर चलाना हो वैसे ज़िगज़ैग रोड पे, या आपको चलाना हो एकदम ओपन स्पेस में फ्रोजन लेक के ऊपर दिन में या नाइट में, यू कैन टॉक विद जेई ट्रेवल्स एंड दे कैन बुक अकॉर्डिंगली। सो करते हैं इस वीडियो को एंड, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो जिस पर मैं गिर गई थी, गिरना अच्छा नहीं लगा था, बट यू आर नाउ फीलिंग ओके, तो लाइक करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप ट्राई करेंगे ये एक्टिविटी, और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर लीजिए। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज़, जो किड्स थे पेरेंट्स साथ, वो लोग आगे बैठे थे, उनके लिए जो इंस्ट्रक्टर था वो राइड कर रहा था और किड्स बैठे हुए थे, तो किड्स के साथ ये किया जा सकता है। सो अगर आप फैमिली है एंड यू हैव किड्स, इट्स स्टिल पॉसिबल टू डू। सो नाउ लेट्स एंड दिस वीडियो, सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो, चलता जाएगा। Till then, bye.